यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर यूनिटी देखो। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई मेरे साथ यहाँ पर खड़े भी हो गए तो बहुत से लोग हिंदू भी है मुस्लिम है। ये देखो रामोशाल है तो मला माहिती आहे अनुभव मला, मी जर ना आले तर मला थोडं त्रास होतोय थोडा। आपसन मानते आम्ही बाबा, बहुत दिन से तमान थी आके जियारत करना बाबा की बोल के। हाँ बहुत दिन, दोन वर्षापासून येतो आपण। इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अक्कलकोट तालुका के हैदरा परिसर में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ के ख्वाजा सैफुल मुल्क जो दरगाह है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन अर्थात जियारत के लिए आते हैं। इस साल भी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिल रहा है और हम जानने की कोशिश करेंगे श्रद्धालुओं से कि क्या डेवलपमेंट है और क्या यहाँ के जो कमेटी वालों ने उनके लिए नियोजन किया है। आइए सर, काय नाव आपलं? अविनाश चलवादी। कुठं राहायला, कुठं आहे सर आप? सोलापूर। किती वर्ष झालं सर आपण इथं येतो? मी 4 वर्ष झालं दर अमोशाला येतो। आता दर अमोशाला आपण येतो सर, गेल्या वेळी जी अमोशा होती त्यावेळी काय डेव्हलपमेंट होतं, आज जी अमोशा आहे तुम्ही आल्या वर्षभरात सोडून आज काय डेव्हलपमेंट तुम्हाला इथं बघायला मिळालं? काय नाही, यावेळेस पर्ची वगैरे काढल्या तर तिकडं सगळं हे केलं, डेव्हलपमेंट करा लागला व्यवस्थित। काय सांगाल पुढचे जे येणारे भक्तगण आहेत त्यांच्यासाठी काय, तुम्ही काय आवाहन करणार, काय सांगाल? त्या जर वर्षी मी तर अमोशाला येतो मला माहिती अनुभव मला, मी जर ना आलं तर मला थोडं त्रास होतोय थोडा। तर तुम्ही खुश आहे इथल्या डेव्हलपमेंट पासून? हो हो खुश आहे। क्या नाम है भाई आपका? शेख इरफान। कहाँ पे रहने का? हम मुंबई से। कितने सालों से आप यहाँ? यहाँ पर हम लोग सैलानी, हम लोग ये साथ हुए, मेरे दोस्त लोग हैं और हम लोग सब साथ में आए हैं यहाँ पर। हैदरी के यहाँ पर उर्स भी था और आज अमोशा भी है तो इसलिए हम लोग अटेंड करने के लिए आए और बाबा ने बुलाया तो हम लोग आए। तो अल्लाह का लाख लाख उनपे एहसान है कि आज इतने बड़े मुबारक दिन पर हम लोग आए हैं। और यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प है, पहली बार है माशाल्लाह, इन्होंने भी नियत किया है और आने की। और क्राउड जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लगी यहाँ पर क्राउड, और सब में पहले ये बिग मैसेज जाएगा। मेरे को सबको ये चीज़ बोलना है कि आज जो इंडिया का मौसम चल रहा है उसके रिगार्डिंग से अगर मैं बात करूँ तो कम वॉरियर यहाँ पर आओ और देखो यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर यूनिटी देखो। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई मेरे साथ यहाँ पर खड़े भी हो गए तो बहुत से लोग हिंदू भी है मुस्लिम है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे मैं बाबा का बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर कोई चीज़ की भेदभाव नहीं है, यहाँ न हिंदू न मुस्लिम, सब यहाँ पर एक है। और बाबा का बहुत बहुत एहसान उनका हमारे पे हमको बुलाए। और यहाँ पर जितने भी लोग उनकी मन्नत है मुराद है वो सब पूरा है। आपके चेहरे के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सब के पर्सनली से मैं बोलना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और हमसे पूछा भी। और यहाँ वाले सभी लोगों के मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी मन्नतें जो दुआ है वो पूरी हो जाए। बहुत अभी आप कितने साल से यहाँ आते हैं और आज जब इस साल आप आए हो क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है आप? देखो डेवलपमेंट के हिसाब से बोलो तो बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला। आए तो हम तो बहुत चलता ही अल्टरनेट आना जाना रहता है, काउंटिंग रहती नहीं है वैसे, बट यहाँ पर चेंजिंग बदलाव में दिखा है कि यहाँ पर एक रश नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि जो यहाँ पर जो ट्रैवलर्स आते हैं मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो सैलानी जो आते हैं तो क्या करते हैं वहीं बैठते हैं और वहीं कचरा छोड़ देते हैं। मैनेजमेंट को एक से बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टीम बनाओ अपनी और जो टीम है जो फेंकते हैं कचरा बस उस पर अगर हम लोग कायम हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह और कोई चीज़ का यहाँ पर वो नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी फेयर, यहाँ पर पार्किंग बेटर है, यहाँ के लोग कोऑपरेटिव है, हर एक चीज़ है। तो सिर्फ यहाँ पर जो क्लीनिनेस के है अकॉर्डिंगली जो बोलेंगे जहाँ पर बैठते हैं जो लोग आते हैं सैलानी वहीं बैठ रहे वहीं खा रहे वहीं छोड़ रहे, तो बस उसके इनकी रिक्वेस्ट करूँगा और मैनेजमेंट करूँगा थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करें इन लोगों को रिगार्डिंग और एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा और बहुत हुई डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो डेवलपमेंट बहुत हुई। थैंक यू। कुठे राहिला तुम्ही? सोलापूर। सोलापुरात किती वर्ष झालं इथे येतो? 20 वर्ष झालं येतो। 20 वर्ष झालंय, काय म्हणत मुराद मागितली होती काय पूर्ण झालेली आहे? झालेले झालेले म्हणजे पूर्ण मनापासून मानते आम्ही बाबा। काय डेव्हलपमेंट बघायला भेटलं तुम्हाला आता इथं? आम्हाला इथं आल्यापासून श्रद्धा वगैरे सगळं आम्हाला आमची मनातली जीविका इच्छा आहे ते पूर्ण आमची पूर्ण झालेली आहे आणि आम्ही मनाभावनापासून येतो आणि भक्तांना एवढं सांगतो की जे भी भक्त येतात इथे त्यांना सगळ्यांना पूर्ण इच्छा होतात आणि त्यांनी समाधानाने यावं समाधानानं मागणी मागावं बाबांकडे। परत काय मागितलं तुम्ही? माझ्या मुलाच्या कामासाठी मागितले, मी पूर्ण इच्छा होते मी बाबाला काय करायचं ते करेन। हो काय नाव तुमचं? संजय खेत्री। कुठं राहिला? रत्नागिरी। रत्नागिरीपासून इथं आलो? हो। किती वर्ष झालं येतो? आम्ही काय अमोशाला वगैरे येतो असं जवळजवळ 10-15 वर्ष झाले येतो आम्ही। काय प्रार्थना वगैरे मागितली ते पूर्ण झाली म्हणून येतो का नुसतं? नाही पूर्ण होतात ना, प्रार्थना पूर्ण होतात, मनापासून मागितलेली पूर्ण होतात। पूर्ण होतात। आज या अमोशाला देखील तुम्ही आलेला आहे, काय प्रार्थना केली? ना आत्ता मी जस्ट आलो आहे, आता बाबाचं दर्शन वगैरे घेतो मग आपण काय असेल ते
नमस्कार करून परिसरात काय डेव्हलपमेंट बघायला भेटलं तुम्हाला? खूप छान केलेलं आहे, पार्किंग वगैरे केलेली आहे, जे बाथरूमची वगैरे व्यवस्थित सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे, बाकी व्यवस्थित सगळं. पूर्ण परिवारासोबत तुम्ही आलेला आहेत? ना, मी चुलत भाऊ वगैरे आम्ही आलो आहे, परिवार सोबत नाही. सबसे पहले आपका इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है. कहाँ से हो आप? मैं अलन से हूँ. क्या है नाम आपका? यास्मीन बानो. कितने सालों से आप यहाँ पर आते हैं? मैं 4 साल से आती हूँ. 4 साल से आते हैं. इस बार क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस, क्या पार्क साहब का जो आपको ये दिखा, क्या दिखा आपको? ये जो क्लीन करी सब अच्छा है, लेकिन मेरी भी तबीयत खराब ही थी. डॉक्टर गुलबर्गा के नूर शेख डॉक्टर ने चेक किया था मुझे, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी बीमारी नहीं आपको, आप किधर तो दरगाह पे जाओ, तो यहाँ आए हम शफा. सब शिफा हो गई? हाँ, शफा हुआ. सही है, शफा. मानते हो आप बहुत बाबा? हाँ, मानते हो. मानते हो? दिल से मानते. हाँ. क्या नाम है चाचा तुम्हारा? हुसैन साहब है मेरा. हुसैन साहब मौला साहब कहानी कहते हैं हमारे को. कहाँ रहने के लिए आप? अगरखेड़ी. अगरखेड़ी इंडी तालुका. इंडी तालुका. कितने साल से आते हैं आप यहाँ पर? मैं 50 साल से आता हूँ. 50 साल से. हाँ. मैं क्या मांगी उसमें मन्नत मन्नत पूरा हुई है. पूरा भी है. पूरा है. तो क्या मन्नत हुई हो तो मैं आती जाती हूँ. जब अभी 50 साल से तुम आते हैं, 50 साल से जो डेवलपमेंट था, इस साल डेवलपमेंट में कुछ फर्क पड़ा है? पाक साहब जो दिख रही है आपको? नहीं नहीं, नहीं नहीं, फर्क पड़े, फर्क पड़े, बहुत बहुत फर्क पड़े. फर्क पड़े? पहले इतना क्या नहीं था काम. हाँ. अब क्या सब क्या क्या उनके किसे बोल को कर लेती हैं, होलियाँ कर लेती हैं, तो वो सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है. आपको यहाँ कहते हैं इलाज में लोग हैं पूरा ये कमा चुका थे. हाँ. आती जाती हैं, आती जाती हैं, पेड़ आना पड़ता, पेड़ जगह बसा है. तो कौन क्या नियत रहती है, वो नियत मन्नत पूरा होती है, जगह चौसा है वो. ठीक है, जगह. क्या नाम है? वसीम मोहड़कर. कहाँ रहने के लिए आप? सोलापुर शास्त्री नगर. कितने सालों से आप यहाँ आते? 10 साल. दरगाह में ज़ारत भी करते हैं, आके ज़ारत के लिए भी आती है. 10 साल में जब आप आते हो, 10 साल का डेवलपमेंट और आज के डेवलपमेंट में क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं, काम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है. अभी कल्याण शेट्टी है, वो इन्हों भी काम कर रहे हैं. दरगाह के ट्रस्टी के लोग जाके उनके पास काम लेके जा रहे, तो कर रहे काम. हाँ. तो दरगाह के ट्रस्टी के लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा सब काम कर रहे ना अभी, अभी अभी फिलहाल को तो काम चालू है. अभी उनको जैसा ऊपर से इधर से जो मदद आएंगी, जो देंगी निधि आएंगी, वैसा वो हिसाब में उन्होंने काम करते हैं. ठीक है. क्या नाम है खाला आपका? मेरा सबिया मुल्ला. कहाँ रहने के लिए आप? हम सोलापुर के. सोलापुर के. कितने साल से आते हो अभी यहाँ पर? 10 साल से आते. क्या मन्नत वगैरह कुछ नहीं? क्या कुछ ऐसा खाली ज़ियारत बोल के? ज़ियारत कर कुछ. ज़ियारत बोल के. हर अमास को आप आते हैं? नहीं. कैसा टाइम जाए सर? कैसा टाइम आते? कितने सालों से आते हैं आप? कम से कम 25 साल के. 25 साल से आते. 25 साल में और आज में क्या डेवलपमेंट देखने मिल रहा है? क्या पाक साहब तुम्हारा फर्क है? थोड़ा बहुत अच्छा फर्क है. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अकबर काने. हम यहाँ अगरखेड़ इंडी तालुक अगरखेड़ से आते हैं. हर हर जुमेरात और हर अमास के दिन सब सब लोग आते हैं. पूरे परिवार के साथ? पूरा परिवार के साथ भी आते हैं. कैसा सब सब लोग कैसा मंगले रहते हैं पेरा के साथ, वो सब उसके हिसाब से सब जन मिला कर आते हैं. कितने सालों से आते हैं? हमें आने लग 20 साल से. हमारे अब्बा उन्होंने सब आने लग 50 साल परंपरा से है. परंपरा से? हाँ. कुछ मन्नत मुराद पूरी हुई के छुप राउंड मारने के? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं. हर एक मन्नत क्या मांगती हूँ, खुल्ला जाने की बात नहीं इधर. हाँ, पूरी होती हर बात में. क्या नाम है भाई तुम्हारा? शाहनवाज रफीक कलबुर्गी. रहने के लिए? सोलापुर. कितने साल से आते हैं यहाँ पर? यहाँ 15-18 साल. कंटिन्यू अमास को आते हैं, संदल को आते हैं? कैसा संदल को आते हैं, अमास को कभी तो आते हैं. कोई मन्नत मुराद मांगी हुई पूरी हुई है क्या छुपाते हैं? वे लिए तो मन्नत. अभी रास्ता वगैरह हुआ है, अभी यहाँ पर भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिल रहा है, क्या है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? रोड वो अच्छा हुआ, पहले बहुत रोड खराब था सैपल मुलुक का. अभी रोड वो सब अच्छा होने से पब्लिक ज़्यादा आ रही है. अभी ऐसा रोड का ये होता रहा तो पब्लिक ज़्यादा आएंगी अभी यहाँ से. अभी यहाँ पर जो अभी जो डेवलपमेंट दिख रहा है दरगाह परिसर में, पाक साहब दिख रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पाक साहब पहले से भी अच्छा है, अभी सब अच्छा करे ले. अभी सब सीमेंट का अंदर कॉन्क्रीट का हो गया, लोगों के यही बैठने हटने का अच्छा हो गया इधर. क्या नाम तुम्हारा चाचा? मेरा नाम अमीरुद्दीन चौधरी, एक स्पेशल वाइस प्रेसिडेंट बसों कल्याण कर्नाटका. कितने सालों से आप यहाँ पर? आप पहली मरतब आए हैं? पहली मरतब? हम हमारे पूरी फैमिली के संग आए हैं. इससे पहला नहीं है? नहीं, अभी नहीं, अभी पहली मर्तबा आई. पहली मर्तबा जब तुम यहाँ आए? हाँ. क्या चेंजेस दिखने मिल रहा है यहाँ पर तुम्हारे? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अभी आए हैं. अभी जरा पूरा गौर करना है, सब देखना है. हाँ, हाँ, बस इतना है. क्या बाबा के पास मुराद पूरी हुई बोल कर रहे हैं क्या? ऐसे ही नहीं, पहले नहीं नहीं घूमना नहीं है. बहुत दिन से तमन्ना थी आके ज़ियारत करना बाबा की बोल के. ज़ियारत करना बोल? हाँ, बहुत दिन से तमन्ना थी. पूरी फैमिली को लेकर? फैमिली लेकर आए. न्यास वगैरह किए? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, अभी आए हैं. उसके बाद में जो है इंशाल्लाह ताला
आगे फिर बुलाएंगे हजरत तो न्यास लेकर ही चाहेंगे हम। लक्ष्मी सिद्धाराम माणके कुठे राहिला? हंजगी। हंजगी हाँ। किती वर्ष झालं इथे येतो? 2 वर्षापासून येतो आपण। 2 वर्षापासून येतो, काय मन्नत वगैरे बाबांची कडे आल्यावर पूर्ण झाली? हा झाली सर। दर अमोशाला येतो? इतर अमोशाला तरच येतो। येतो हा उगा कशाला। परिसरात काय डेव्हलपमेंट? काय डेव्हलपमेंट आहे का? चांगले केलेले का? स्वच्छता वगैरे आहेत का? आहे ना। परत काय नाव काका आपला? कैला स्वामी। कुठे राहिला? माशाळ। माशाळ माशाळ किती वर्ष झालं येते येतो तुम्ही? 4 वर्ष झालं, 30-35 वर्ष झालं। आज काय डेव्हलपमेंट बघायला भेटलं तुम्हाला? बाबाचे दर्शन। डेव्हलपमेंट झालेलं आहे का? रश वगैरे फार भेटत होता, आज रश कुठं दिसत नाही कारण फार मोकळा वगैरे झालेला आहे। बाबाचे आशीर्वाद लई भेटतात। काय नाव दादा तुझं? शरण पुजारी। कुठे राहिला? दुधनीला। दुधनीला रे। किती वर्ष झालं इथे येतो? आता 1 वर्ष झालं। काय डेव्हलपमेंट बघायला भेटलं तुला? डेव्हलपमेंट बघायला भेटलं पण दर्गा परिसरात काय डेव्हलपमेंट तुला बघायला भेटलं? चांगलं आहे, सगळं चांगलं दर्गा परिसर। पण क्या नाम है भैया? आप्पा खंडोडगे। किधर है रहने के लिए? शिरवळ। शिरवळ से आते हैं यहाँ पर? कितने साल से आते हैं? 2 महीने से वहाँ आते हैं। कंटिन्यू आते हैं? हाँ कंटिन्यू। अभी परिसर में जो स्वच्छता विच्छता के बारे में देखे, अच्छा है क्या? अच्छा है, वो रोड भी हुआ, सब हुआ, सब अच्छा है। खुश है तुम? हाँ। आसानी से आने मिल रहा, पहले 2-3 घंटा लगता था। हाँ पहले 2-3 घंटा लगता, अब जल्दी ये हो रहा है। आते अभी अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है साहब आपका? जी मेरा ख्वाजा महमूद मैनुद्दीन मुजार है। मुजार साहब आप तकरीबन यहाँ के रहने वाले मुझे ऐसा दिखते हो। सही बात है। कितने सालों से आप खिदमत गुजार हो यहाँ पर? अभी देखो पैदा है जो से अभी 45 साल हो गए यहाँ खिदमत कर रहे हैं सरकार की। आने वाले भक्त लोगों की मुरादों की जो भी तकलीफ है, अड़ी अड़चन है, उनके जो भी काम है वो सब कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह लोगों को भी फैज मिल रहा है यहाँ पर और लोग यकीदे से भरोसे से आ रहे हैं तो उनके काम भी हो रहे हैं और सरकार की तरफ से थोड़े बहुत पैसे भी मंजूर हुए। दरगाह में डेवलपिंग का भी काम चालू है और इसके आगे साफ सफाई का भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। गर्दी ज़्यादा रहने से थोड़ा गंदगी दिख रही है, अभी शाम तक पूरा साफ हो जाता है, उसका क्या टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह हो रहा है, सब काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आने वाले जो भी भक्त है यानी कि जो भी श्रद्धालु है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या नहीं, अकीदा बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, सब धर्म के लोग मानने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं सही तरीके से अकीदे से मानते हैं और उन्हें फैज पा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, उन्हें चले जा रहे हैं अपने अपने घरों में। सरकार का बहुत बड़ा कर्म है, ये सरकार के ऊपर जितना भरोसा रख रहे हैं। परसों उरुस हो गया सरकार का 27-28 को, आज अमास है इतवार, आज भी गर्दी है दरगाह में, लोग श्रद्धालु हैं, भरोसा है, काम होता है बोलकर विश्वास से आते हैं यहाँ पे और काम भी हो रहे हैं सबके इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर आए हुए दरगाह पर श्रद्धालु। देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ सोलापुर।